हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। आप सभी जानते हो कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल और दूसरा इरैशनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। रैशनल नंबर में सबसे पहला डेसिमल एक्सपेंशन आता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होना। जैसे कि अगर हम 1/2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि हम 2 से अगर 1 को डिवाइड करें, तो हमें आंसर मिलता है 0.5, कि यहाँ पर 5 के बाद किसी और डिजिट की नीड नहीं होगी और 5 पर आकर ये डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 7/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, मतलब हम 8 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवीज़न 0.875 पर आकर कंप्लीट हो जाता है, ये टर्मिनेट हो जाता है। सिमिलरली 639 डिवाइड बाय 250 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.556, यानी कि यहाँ पर 6 के बाद किसी और डिजिट की नीड नहीं होगी। तो इस टाइप के जो भी हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, यानी कि जब हमारा डिवीज़न पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जब किसी स्टेप में आके रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। फिर रैशनल नंबर्स में ही एक और टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। इस तरह के सिचुएशंस में डिवीज़न कॉन्टीन्यूसली चलता ही रहेगा। और रिपीटिंग का मतलब ये है कि इसमें कुछ डिजिट्स की बार बार रिपीटेशन भी होगी। एग्जाम्पल के लिए हम नंबर लिख सकते हैं जैसे कि 10/3, यानी कि अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 3.3333 and up to so on। तो ये डिवीज़न कभी भी कंप्लीट नहीं होगा और डेसिमल के बाद ये 3 की रिपीटेशन कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी। और इसी आंसर को हम 3.3 बार भी लिख सकते हैं, यानी कि जिस डिजिट की रिपीटेशन होती है हम उसी के ऊपर ये एक बार का साइन लगा देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 14/11, यानी कि अगर हम 11 से 14 को डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 1.272727। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो डिजिट्स यानी कि 27 की बार बार रिपीटेशन हो रही है। तो बार का यूज़ करके इसको भी हम लिख सकते हैं 1.27 बार। एक और नंबर यहाँ पर लिखा गया है 1/7, यानी कि अगर हम 7 से 1 को डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 0.142857142857। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स की बार बार रिपीटेशन हो रही है, जो कि है 142857। तो इसको भी बार का यूज़ करके हम लिख सकते हैं 0.142857 बार। इन सभी 6 डिजिट्स के ऊपर हम बार लगाकर लिख देंगे। तो रैशनल नंबर में ये दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इरैशनल नंबर्स में किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इरैशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग। यहाँ रेक्यूरिंग की जगह पर आप रिपीटिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके एग्जांपल के लिए हम नंबर लिख सकते हैं 0.10110110, उसके बाद 4 times 1 लिखा हुआ है एंड देन 0, और ये प्रोसेस आगे इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वैसे तो 1 और 0 की रिपीटेशन हो रही है, पर हम इसको रिपीटिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 की जो रिपीटेशन है वो हर एक स्टेप पे इंक्रीज हो रही है। जैसे कि पहले केवल एक बार 1 आया, उसके बाद 2 बार 1 आया, उसके बाद 3 बार 1 आया, उसके बाद 4 बार 1 आया, और ये प्रोसेस इसी तरह से अगर कंटिन्यू रहेगी तो उसके बाद 5 times 1 लिखेंगे, फिर 6 times 1 लिखेंगे, फिर 7 times 1 लिखेंगे एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली आप नेक्स्ट नंबर के लिए भी देख सकते हो 0.150 1500 1500 1500 4 times 0, यानी कि यहाँ पर 1, 5 और 0 की रिपीटेशन हो रही है, जिसमें से जो 0 है उसकी रिपीटेशन हर स्टेप के बाद इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि पहले केवल 1 बार 0 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 3 बार 0 है, 4 बार 0 है। तो ये होते हैं हमारे इरैशनल नंबर।
इसी तरह से रूट टू, यानी कि अगर हम टू का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो टू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और डेसिमल में इसका आंसर हमें मिलेगा 1.4142135 एंड अप टू सो ऑन, ये भी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। रूट थ्री, थ्री का स्क्वायर रूट हमें आंसर मिलता है 1.7320501 एंड अप टू सो ऑन। तो ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये जो सभी नंबर है वो आते हैं इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में, और इनके डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेक्यूरिंग। तो अभी तक हमने इस वीडियो में सीखा है कि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ एक टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेक्यूरिंग। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। लेकिन 1.4 स्टार्ट करने से पहले दो थ्योरम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज हम एक्सरसाइज 1.4 में करेंगे। तो पहली थ्योरम हमारे पास निकल कर आती है, लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m। हमने कोई एक नंबर लेट किया है x, और ये जो x है वो एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर यानी कि जो q है, अगर उस q के प्राइम फैक्टर किए जाएं, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो में बताया था, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो अगर हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं और उसके प्राइम फैक्टर हमें इस तरह की फॉर्म में मिलते हैं कि 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, यानी कि वहां पर उसके प्राइम फैक्टर में हमें 2 और 5 मिलते हैं, कि हो सकता है कि कुछ पावर्स 2 की हो और हो सकता है कि कुछ पावर्स वहां पे 5 की हो, तो इस तरह के रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा, यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या बताया गया है इस थ्योरम में, कि अगर हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है और अगर उस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन ले सकते हैं 7/80। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 80, अगर हम इस 80 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमें यहाँ पर इसके फैक्टर्स मिलते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी कि यहाँ पर 4 × 2 है और 1 × 5 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 5। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों आए हैं। तो इसलिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि अगर हम 80 से 7 को डिवाइड करें तो हमें एक टर्मिनेटिंग आंसर मिलेगा, कि कुछ स्टेप के बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो उसमें 0 हो जाएगा। फिर दूसरी थ्योरम ये कहती है, लेट x इक्वल्स टू p by q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m। कि सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म के नहीं हैं, यानी कि हो सकता है कि वहां पर 2 और 5 ना आए, या अगर 2 और 5 आए तो उनसे अलग कोई और दूसरा प्राइम नंबर भी आ जाए। तो इस टाइप के केस में, इस टाइप के रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। इस थ्योरम में क्या कहा गया है, कि अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 से अलग कोई दूसरे प्राइम नंबर आ जाते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 129/140। यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है 140, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि यहाँ पर 2 × 2 है जिसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 1 × 5 है और फिर उनके साथ साथ 7 भी है,
यानी कि यहाँ पर 2 और 5 से अलग एक और प्राइम नंबर आता है जो कि है 7। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इन्हीं दोनों थ्योरम्स का, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट सम, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट सम में कुछ रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि उन रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और ये काम हमें बिना डिवीजन किए ही करना है, यानी कि बिना डिवीजन किए ये बताना है कि उन रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे उन दो थ्योरम्स का जो अभी अभी हमने पढ़ी है कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 से अलग कोई प्राइम नंबर आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, जहां पर हमें फ्रैक्शन यानी कि एक रैशनल नंबर दिया गया है 13/3125, तो जब हम इसके डिनोमिनेटर यानी कि 3125 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स में हमें 5 times 5 मिलता है, जिसको हम लिख सकते हैं 13/5। यानी कि थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ जाएं, 2 या 5 दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, 2 और 5 दोनों भी आ सकते हैं, तो अगर 2 और 5 में से कोई एक हमें यहाँ इसके प्राइम फैक्टर में मिल जाएगा तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद फर्स्ट सम का जो सेकंड पार्ट है 17/8, अब इसका जो डिनोमिनेटर यानी कि 8 है उस 8 के प्राइम फैक्टर्स में हमें 3 times 2 मिलता है, जिसको हम लिख सकते हैं 17/2³। और उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 आ गया है, जिसके लिए हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन को लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 या 5 दोनों में से कोई एक आ जाए या 2 और 5 दोनों ही आ जाए तो उस केस में हम डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट, यहां पर रैशनल नंबर हमें दिया गया है 64/455, तो अब अगर हम यहां पर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं उसके प्राइम फैक्टर में हमें नंबर मिलते हैं 5, 7, 13। आप ये देख सकते हो कि प्राइम फैक्टर में 2 और 5 से अलग कुछ और नंबर आ रहे हैं। टर्मिनेटिंग हम किस केस में कहते हैं? अगर 2 और 5 हो, लेकिन यहां पर उनसे अलग 2 और नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि है 7 और 13। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब इसके फोर्थ पार्ट में हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है 15/1600, तो हम 1600 के प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे। हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी कि 15 और 1600 को किसी एक नंबर से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को 5 से डिवाइड किया जाए, 5 से 15 को डिवाइड करने पर आंसर आता है 3 और 5 से 1600 को डिवाइड करके आंसर आता है 320। तो इस तरह से ये जो फ्रैक्शन है वो सिंप्लीफाई करने के बाद बन गया है 3/320। तो जो प्राइम फैक्टर्स है वो अब हम 320 के लिए फाइंड करेंगे और 320 के प्राइम फैक्टर में हमें देख सकते हैं कि 2 जो है वो 6 times आया और जो 5 है वो 1 time आया, यानी कि इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में
टू और फाइव दोनों ही नंबर आ रहे हैं, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। फिफ्थ पार्ट में फ्रैक्शन दिया गया है 29/343, और उस डिनोमिनेटर की अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो हमें वहाँ पर 3 × 7 मिलता है, यानी कि वहाँ पर ना हमें 2 मिला और ना ही 5, बल्कि उन दोनों से अलग कोई और नंबर हमें मिला है जो कि है 7। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सिक्स पार्ट में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके हमें दिया गया है, यानी कि हमें उसके प्राइम फैक्टर्स को खुद से फाइंड करने की नीड नहीं है। और हम ये देख सकते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही नंबर हैं, जिस वजह से हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। उसके बाद जो सेवन्थ पार्ट में फ्रैक्शन दिया गया है उसका भी डिनोमिनेटर ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके हमें दिया गया है, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 और 5 से अलग एक और नंबर दिया गया है जो कि है 7। और अगर 2 और 5 से अलग कोई और नंबर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में आ जाते हैं तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एट्थ पार्ट में फ्रैक्शन हमारे पास है 6/15, और 6/15 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी कि हम 6 और 15 दोनों को अगर 3 से डिवाइड करें तो 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद आता है 2, और 5 को 3 से डिवाइड करने के बाद आता है 5, यानी कि इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिलता है 2/5। और इसका जो डिनोमिनेटर है 5 वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि उसके और फैक्टर्स हम नहीं कर सकते, और टर्मिनेटिंग के लिए हमें दो ही नंबर चाहिए होते हैं, या तो 2 या फिर 5, और ये हम देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है 5, इस वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नाइन्थ पार्ट में फ्रैक्शन दिया गया है 35/50, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 7/10, और अगर 10 को फैक्टराइज करें तो 10 के फैक्टर्स हमें मिलते हैं 2/5, और टर्मिनेटिंग के लिए यही तो दो नंबर हमें चाहिए होते हैं, इस वजह से नाइन्थ पार्ट में जो फ्रैक्शन है इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही हो जाएगा। टेंथ पार्ट में फ्रैक्शन हमारे सामने है 77/210। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है 11/30 में, यानी कि हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करने के बाद हमें फ्रैक्शन मिलता है 11/30। अब जब हम 30 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमें वहाँ पर आंसर मिलता है 2/3/5, और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 5 से अलग एक और नंबर आया जो कि है 3, इस वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम, जिसमें कुछ फ्रैक्शंस हमें दिए गए थे और हमें ये बताना था कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आपको बस उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, अगर उन प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 से अलग कोई दूसरे नंबर्स आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं हम इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 2। सम नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी कि सम नंबर 2 में भी फर्स्ट सम का ही रेफरेंस देते हुए ये बात कही है कि फर्स्ट सम में जिस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, फर्स्ट सम में अभी हमने चेक किया कि किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था और किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो सेकंड सम में हमें ये कहा गया है कि फर्स्ट सम के जिस पार्ट में भी, फर्स्ट सम के जिस रैशनल नंबर में भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उस नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस को फाइंड आउट करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड होता है हमारे पास सिंपली डिवीजन का,
कि जो फ्रैक्शन हमारे पास है हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके ईजिली उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यह इस सम में हम एक और दूसरा मेथड करेंगे जिसमें हम बिना डिवाइड किए उस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने सोल्व किया था, फर्स्ट सम के फर्स्ट पार्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग था, तो वही रैशनल नंबर हमने यहाँ दोबारा से लिखा है 13/3125। और फर्स्ट सम में हमने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स भी किए थे, जहाँ पर हमें क्या मिला था, 5 × 5 मिला था। यानी कि इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 13/5। हमने क्या किया है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब ये वाला स्टेप आप बड़े ध्यान से समझना। आपको पता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 होता है तो बिना डिवाइड किए हम उसको डेसिमल फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 43/10, तो बिना डिवाइड किए हम ये बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 4.3 होगा। या फिर अगर 43 के डिवाइड में 100 लिखा हुआ है तो भी बिना डिवाइड किए हम ये बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.43 हो जाएगा। या फिर इसी तरह से अगर 43 का डिनोमिनेटर 1000 हो जाए तो भी हम ये बता सकते हैं बिना डिवाइड किए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.043 हो जाएगा। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि इस तरह के नंबर हों, तो हम बिना डिवाइड किए ईजिली उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यही चीज़ हम यूज़ करेंगे हमारे सम में भी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 5 है, और 5 को 10 बनाने के लिए हम किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 5 को 10 बनाना चाहें तो 5 को 10 बनाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 को 10 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, कि अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5×2 कितना हो जाएगा, 10। तो इसके लिए जो हमारे पास यह डिनोमिनेटर में 5 है उस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बट अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप अपने तरफ से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू में चेंज ना आए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम उसी नंबर से हम उसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू बैलेंस हो जाएगी, यानी कि उस फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो 5/5 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से। या आप देख सकते हो कि 5/5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/5 से। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, इसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 10 के फॉर्म में, और 5 को 10 बनाने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर 5/5 है तो इसलिए हम 2/5 ही यूज़ करेंगे। अगर यहाँ 5/4 होती तो हम 2/4 ही यूज़ करते, अगर 5/3 होती तो हम 2/3 का ही यूज़ करते। और अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप ध्यान से समझिए इस स्टेप को, कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया 2/5 से, और उसके बाद हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया 2/5 से। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर में हम 10 बना सकें। अब इसके बाद 13 को हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है,
और हमें ये पता है कि 2 की पावर 5 यानी कि अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 32, जिसको हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया है। अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर थे यानी कि 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, और जैसे कि हमें पता है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 10, तो नेक्स्ट स्टेप में 5 और 2 का प्रोडक्ट हमने लिख दिया 10, और जो पावर 5 और 2 की थी सेम वही पावर हमने यहाँ पर 10 की भी लिखी है। यानी कि हमने कैलकुलेशन करके क्या आंसर लिखा है, 13 मल्टीप्लाई 32 एंड डिवाइड बाय 10 की पावर 5। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें 13 को 32 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमें आंसर मिलता है 416। इसी तरह से जब हम 10 की पावर 5 को ओपन करेंगे यानी कि हम 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 लाख, यानी कि 1 लिखकर उसके आगे हमें 5 टाइम्स 0 लिख देनी होगी। तो अब इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवीजन की नीड नहीं होगी। हम ये देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 के आगे 5 टाइम्स 0 हैं, तो अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम न्यूमरेटर में 5 डिजिट्स छोड़कर एक डेसिमल लगा देंगे, बट न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स ही हैं, और जबकि हमें 5 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लगाना है तो इसलिए हम इसके पहले 2 जीरो लगाएंगे, जिस वजह से टोटल 5 टर्म्स हो जाएंगी 00416। और अब इससे पहले एक डेसिमल लगाकर उसके पहले भी एक जीरो को हम लिख सकते हैं, जिस वजह से ये नंबर आ जाएगा 0.00416। तो क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 5 टाइम्स 0 थी और हमारे पास आंसर में भी डेसिमल के बाद 5 डिजिट ही होने चाहिए, और हमारे पास आंसर में भी डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स ही होनी चाहिए थी, तो ये आप आंसर में देख सकते हो कि डेसिमल के बाद हमारे पास 5 डिजिट्स ही हैं, 00416। इसके बाद करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट सम का जो सेकंड पार्ट था उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही था। अब इसके डिनोमिनेटर को अगर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जाए तो वो हम लिख सकते हैं 17/2 का क्यूब, यानी कि 8 के फैक्टर्स में 3 टाइम्स 2 आता है, तो इसलिए हमने उसको लिख दिया है 2 की पावर 3। अब सेम काम हम यहाँ पर भी वही करेंगे जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, यानी कि अब यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर के अंदर 10 बनाएंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि इस डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से ही 2 अवेलेबल है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 10 बना सकते हैं। 2 को 10 बनाने के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, और जितनी पावर यहाँ पर 2 की है सेम उतनी ही पावर 5 की भी यूज़ करनी होगी, यानी कि अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर 3 का ही यूज़ करेंगे। तो ये आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो कि हमने इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हम डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 5 करके ईजिली वहां पर 10 बना सकें। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है सबसे पहले 17 को, और हमें पता है कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि 5 का क्यूब ओपन करने के बाद उसका आंसर आता है 125, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में जब हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 होता है 10, और जैसे कि 2 और 5 दोनों की पावर यहाँ पर 3 है तो उसी तरह से हमने 10 की पावर को भी 3 लिख दिया। अब जब हम 17 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2125, और 10 का क्यूब ओपन करने के बाद यानी कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है 1000। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 के बाद 3 टाइम्स 0 है, यानी कि अगर हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें न्यूमरेटर में राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना होगा, तो वो डेसिमल हम कहाँ लगा सकते हैं, 2 और 1 के बीच में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा
2.125। यहाँ पर हमने राइट साइड से तीन डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया है और ये अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट, 15/1600। हमने फर्स्ट सम में भी सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया था, यानी कि 15 और 1600 दोनों को डिवाइड किया था 5 से और तब ये फ्रैक्शन हमें मिल गया था 3/320। और अब अगर हम यहाँ पर 320 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वो बन जाता है 2^6×5, यानी कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों हैं। अभी तक जो दो सम हमने किए थे उसमें हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना था, जिसके लिए हमें 2 और 5 दोनों की नीड होती है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जितनी पावर हम 2 की ले रहे हैं उतनी ही पावर हम 5 की भी लेंगे, या जितनी पावर हम 5 की यूज़ कर रहे हैं सेम उतनी ही पावर हमें 2 की भी यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन इस फ्रैक्शन में 2 और 5 दोनों की पावर्स डिफरेंट हैं। आप ये देख सकते हो कि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 है और 5 की पावर सिर्फ 1 है। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी है तो भी हम उसकी पावर कितनी मानते हैं, 1। यानी कि इस फ्रैक्शन के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है वहाँ 2 की पावर तो 6 है और 5 की पावर है 1, तो यानी कि हमें यहाँ पर 5 की पावर 5 और चाहिए। अगर हमें 2 और 5 दोनों की पावर को सेम करना है तो 5 की पावर 1 तो पहले से ही है, लेकिन उसको 6 के इक्वल बनाने के लिए हमें उसमें 5 की पावर 5 की नीड और है। तो इसलिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1 और 5 की पावर 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6, जो कि 2 की पावर के ही इक्वल बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है सबसे पहले 3 को, उसके बाद 5 की पावर 5 को जब हम ओपन करेंगे, यानी कि जब हम 5 को 5 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 3125। इसके बाद जो यहाँ पर डिनोमिनेटर था वहाँ पर 2 और 5 दोनों की पावर 6 हो चुकी है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलता है 10 और 10 की पावर में हमने नंबर लिख दिया है 6 को। अब इस तरह से 3 और 3125 को मल्टीप्लाई करने पर हमें नंबर मिलता है 9375। और जब हम 10 की पावर 6 को ओपन करते हैं, यानी कि जब हम 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नंबर हमें मिलता है 1000000, यानी कि 1 के आगे हम 6 टाइम्स 0 को लिख देंगे। तो अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर यह 1 के आगे 6 टाइम्स 0 है तो हमें न्यूमरेटर में राइट साइड से 6 डिजिट छोड़कर एक डेसिमल लगाना होगा। बट न्यूमरेटर में तो केवल 4 ही डिजिट हैं, तो इसलिए हम उसके पहले 2 जीरो को लिखेंगे ताकि वहाँ पर टोटल 6 डिजिट्स बन जाए। तो उससे पहले हम डेसिमल लगाकर इस नंबर को अपने आंसर में लिख सकते हैं, जो कि बन जाएगा 0.009375। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं जो कि है 6 पार्ट। यहाँ पर डिनोमिनेटर को पहले से ही उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिया गया था, जिसमें कि नंबर है 2^3, 5^2। तो आप ये इजीली देख सकते हो कि 2 और 5 दोनों हैं, लेकिन दोनों की जो पावर है वो सेम नहीं है, 2^3 है और 5^2 सिर्फ 2 है, यानी कि अभी यहाँ पर हमें 5^1 और चाहिए। तो उसको हम खुद अपनी तरफ से यहाँ पर लिखते हैं, तो हम न्यूमरेटर को भी 5^1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिनोमिनेटर को भी 5^1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है सबसे पहले 23, उसके बाद जो 5^1 है वो सिर्फ 5 ही होता है, क्योंकि किसी भी नंबर की जब 1 पावर होती है तो उसमें कोई चेंज उस नंबर की वैल्यू में नहीं आता। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है, अब आप यहाँ डिनोमिनेटर में देख सकते हो कि 2^3 भी 3 है और 5^3 भी 3 बन चुकी है, जिस वजह से हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 10^3। अब 23 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर मिलता है 115 और 10^3 यानी कि 10³ को ओपन करने के बाद हमें नंबर मिलता है 1000।
तो क्योंकि यहाँ इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1000 है, यानी कि 1 के आगे 3 टाइम्स 0 है, तो हमें न्यूमरेटर में राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना होगा, जो कि हम उस 1 से पहले लगा सकते हैं, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 0.115। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट नंबर 8 में फ्रैक्शन है 6/15, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यानी कि हम 3 से डिवाइड करें तो 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद 2 आएगा और 15 को 3 से डिवाइड करने के बाद 5 आएगा। अभी जो फ्रैक्शन हमारे पास है 2/5, इसका डिनोमिनेटर पहले से ही एक प्राइम नंबर है, यानी कि उसके और फैक्टर्स हम नहीं कर सकते। तो ये जो 5 है हम इसी को 10 बनाएंगे, और 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 2 से। तो इसलिए हमने इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 2 × 2 = 4 और 5 × 2 यानी कि 10। तो इस तरह से 4/10 को हम इजीली लिख सकते हैं 0.4। नाइन्थ पार्ट में फ्रैक्शन हमारे पास है 35/50, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं 7/10। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इसके डिनोमिनेटर में पहले से ही 10 है, यानी कि इस सम में, इस पार्ट में हमें खुद अपनी तरफ से 10 को नहीं बनाना पड़ेगा, वहाँ पहले से ही 10 आ चुका है। तो अगर उसको डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो डायरेक्ट वहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं 0.7। तो यह सेकेंड सम में हमने फर्स्ट सम के केवल उन्हीं पार्ट्स को यूज़ किया है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। अब इसके बाद हम करते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड सम। तो थर्ड सम की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, यानी कि इस सम में जो पार्ट्स हैं वहां पर कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस हमें दिए जाएंगे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, हमें यह बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल नंबर्स हैं या वो इरैशनल नंबर्स हैं। फिर आगे स्टेटमेंट में कहा गया है इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, अगर वो रैशनल नंबर है और वो p/q के फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर को ही p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो हमें यह बताना होगा व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो थर्ड सम के जो पार्ट्स हैं वहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिए गए हैं, सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि वो रैशनल हैं या वो इरैशनल हैं। फिर उसके बाद अगर वो रैशनल हैं, यानी कि अगर वो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो हमें ये बताना होगा कि जो उनका q यानी कि जो उनका डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट जहां पर हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है 43.12345789, क्लियरली ये आप देख सकते हो कि 9 के बाद यहां कोई भी डिजिट नहीं लिखी है, ना ही इसके ऊपर बार है, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सिंस द नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि क्योंकि ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, कि अगर ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये नंबर एक रैशनल नंबर होगा जो कि एक p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो दो थ्योरम इस वीडियो में मैंने आपको बताई थी उसमें से फर्स्ट थ्योरम के अंदर आपको बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो कब आता है, अगर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 आए या 5 आए या दोनों ही आए। तो सेम वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अपने आंसर में कहेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 or 5 और बोथ, कि अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग टाइप का है तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का केवल तभी हो सकता है अगर यहाँ पर क्यू के प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 आए या 5 आए या फिर दोनों ही आए। इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो नंबर है वो हमें दिया गया है 0.120, 1200, 1200, 1240, 1240 times 0 and up to so on।
और ये इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1, 2 और 0 की जो रिपीटेशन है उनमें से 0 की रिपीटेशन हर एक स्टेप में इंक्रीज हो रही है। जैसे कि 0 पहले तो केवल एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, यानी कि 0 की रिपीटेशन हर स्टेप में इंक्रीज हो रही है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। और इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर्स में आता है? सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर्स में आता है। तो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। और अगर ये एक इरेशनल नंबर है तो इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 43.12345678910, और डेसिमल के बाद ये जितने भी डिजिट्स हैं इन सभी के ऊपर बार का यूज किया गया है, जो इस चीज को शो कर रहा है कि 1 से 9 तक ये जो डिजिट्स हैं इनकी रिपीटेशन इस नंबर में बार बार होती रहेगी, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। क्योंकि यहां पर रिपीटिंग हो रही है तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर के 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्योंकि यहां पर इस पार्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसलिए ये नंबर एक रैशनल नंबर हो जाएगा जो कि P by Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहां पर इस डिनोमिनेटर यानी कि इस Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, यहां पर डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा कभी भी, तो इसका मतलब ये है कि जो यहां पर Q के प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें 2 और 5 से अलग भी कोई एक नंबर जरूर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5, कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 से अलग भी कोई एक नंबर आएगा। जैसे कि एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट सम के कुछ पार्ट्स में हमने देखा था कि जहां पर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 से अलग भी कोई नंबर आता है तो हमने उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहा था। तो सेम वही पॉइंट यहां इस पार्ट में भी यूज किया है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4, और इसी के साथ हमने अपना फर्स्ट चैप्टर आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस पूरे फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज थी उन सभी की अच्छे से लिखकर बार बार प्रैक्टिस करना, और जो सेकंड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन्हीं सम्स की प्रैक्टिस करिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।